assalamu alaikum everyone welcome back to this channel this is me ali Wahid, and you are on the channel of medicare so in this lecture we are going to start about the probability that the event doesn't occur so uh, now we will discuss the exercise 7.5 and it's 10 questions so actually there are some events in which uh, which cannot occur and we check the probability of them so th this is the formula for calculating it okay so now let's start the exercise 7.5 uh, chapter number 7 class 11 so this is the question number one experiment is given to you that a box contain orange flavor sweets and the bilal uh, bilal taste one sweet without looking on the color so event one is that he choose the sweet which is of orange uh, color uh, orange flavor and second event is that he choose the sweet which is of lemon flavor so now the total uh, space samples are only one because only one sweet is taken up and uh, then the event A is that she take the sweet which is of orange flavor. <coughs> so the event A is 1 so I have put the, all the values and answer is 1. In event 2 again uh, the, because lemon flavor is not given in the uh, experiment so therefore I have written 0 because this event is not happened. ओके सो आई हैव एड इट एंड आंसर इज़ ज़ीरो सो इट्स मीन इवेंट ए हुआ है इवेंट बी नहीं हुआ है सो क्वेश्चन नंबर टू इज़ दैट पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेस अ क्रिकेट मैच टू इवेंट्स इट कंटेन फर्स्ट इज़ पाकिस्तान विन्स कि पाकिस्तान जीत गया है ये एक पहला इवेंट है एंड द सेकेंड इवेंट इंडिया डजेंट लूज इट्स मीन कि यह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई एक ही मैच नहीं हुआ एक से ज़्यादा हुए हैं क्योंकि तो पाकिस्तान भी अगर जीतता है तो आ, इंडिया भी जीतता है तो इस तरह का मैच नहीं होता तो इट्स मीन ये टोटल थ्री मैच हुए हैं सो so, टोटल uh, एन uh, एस ये जो एन एस है ये कितना हो जाएगा उसका हम लोग देखते हैं सो एन एस इज इक्वल टू थ्री ओके सो लेट ए इवेंट क्या है डेट पाकिस्तान विन्स सो ये तो एक ही इवेंट है सो so, मैंने वन बाय थ्री लिखा है ठीक है दूसरे इवेंट में उन्होंने कहा इंडिया लूज़ नहीं किया यानी इंडिया के बजाय किसी और ने आ, इंडिया जो है विन किया लेकिन कोई और मुल्क था वो लूज़ कर गया है सो so, इसमें यहाँ पर दो इवेंट्स हुए हैं इंडिया का जीतना और किसी और मुल्क का हारना सो so, वो मैंने पुट किया और आंसर निकाला है क्वेश्चन नंबर थ्री है देर आर फाइव ग्रीन एंड रेड बॉल्स इन अ बॉक्स एंड वन बॉल इज टेकन आउट बाय एनीवन सो इवेंट्स क्या हैं बॉल ग्रीन है होगी या रेड होगी सबसे so, पहले यह है कि फाइव प्लस थ्री करें टोटल बॉल्स कितनी है एट बॉल्स हैं पहला इवेंट क्या है कि उसने ग्रीन बॉल्स उठाए और ग्रीन बॉल टोटल कितनी है फाइव तो मैंने वो लिखा और डिवाइड किया सेकेंड इवेंट क्या है बॉल इज रेड और रेड कितनी है हमारे पास तीन बॉल्स है मैंने वो लिखा और आंसर निकाल दिया क्वेश्चन नंबर फोर में हमने क्वाइन को टॉस करना है ठीक है कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स ठीक है सो अब इवेंट क्या है कि एक इवेंट है वन टेल आती है और एट लीस्ट वन हेड टोटल एस ये हैं क्योंकि थ्री टाइम्स टॉस किया तो ये थ्री टाइम मैंने एच एच लिखा है एच मीन तीनों दफ़ा ही हेड आया फिर है दो दफ़ा हेड आया और एक दफ़ा टेल आई फिर एक दफ़ा हेड आया फिर टेल आया फिर, फिर हेड आया क्योंकि तीन दफ़ा हमने एक क्वाइन को टॉस किया सो डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं हमें नहीं बताया उन्होंने कि हेड आया पहले या टेल आया उन्होंने कहा बस एक इवेंट यह है कि उनमें से कोई एक टेल का था फिर एच टी एच आया फिर टी एच एच टी टी एच एच टी एच टी एच टी टी एंड फिर थ्री टाइम थ्री यानी टेल 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 आया तो टोटल एस कितने हो गए एट ये कितने लेटर्स मैंने लिखे हैं टोटल एट लिखे हैं सो अब हम देखते हैं इवेंट्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी का तो so, यहाँ पर इवेंट नंबर वन क्या है कि एक टेल आते हैं सो so, ये तीन ऐसी सिचुएशंस थी उन आठ में से जिनमें एक दफ़ा सिर्फ टी आया था एक दफ़ा टेल आया था थ्री बाय एट मैंने किया और आ गया दूसरा था कि एटलीस्ट वन हेड, यानी सिर्फ आ, कि एक दफ़ा उनका हेड है यानी एक से ज़्यादा भी आ सकता है बट एच का आना लाजमी है तो so, वो सारी सिचुएशंस जिसमें एच आता था, था वो मैंने सारी लिखी और वो टोटल सेवन थी मैंने सेवन बाई एट लिख लिया एक जो लास्ट थी वो वो वाली थी जिसमें हमारे पास टी टी थी ती तीन ती ती, ती ती दफ़ा आ गया था सो अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं डाई इज़ रोल डाई क्या होता है जो लिडो में हम छक्का यूज करते हैं उसको डाई कहते हैं, हैं उसको मैंने यू रोल किया दो इवेंट्स हुए एक दफ़ा आया थ्री या फोर डोट्स ठीक है और दूसरा इवेंट यह है कि डोर्स लेस देन फाइव फाइव सो so, पहला यह है कि क्योंकि डाई की सिक्स साइड्स होती हैं आपको पता है हर साइड के ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है डोट्स से तो इसलिए टोटल एस हमारे पास सिक्स हो गया इवेंट वन क्या है या तो थ्री डोरस आए या फाइव फोर डोरस यानी दो ये दो नंबर्स आए हैं तो इन दो को आप काउंट करेंगे ये पहला ये दूसरा तो टू हो जाएगा ए पुट किया और आंसर निकाला इवेंट टू में उन्होंने क्या लेस देन फाइव हमारे पास कौन से नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर यानी इनमें से कोई भी आया है तो टोटल फोर आए हैं पुट किया और आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर सिक्स में अबोक्स कंटेन द स्लिप नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव तक है और एक स्लिप किसी ने पिक की है अब वो स्लिप के ऊपर नंबर प्राइम नंबर है या उस स्लिप के ऊपर जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ थ्री है इसको हमने दिखने हैं तो सबसे पहला जो इवेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि टोटल एस हमारे पास फाइव है इवेंट ए में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं टू थ्री फाइव इसमें है तो टोटल थ्री हैं सो वो मैंने लिखा इवेंट टू में उन्होंने कहा है कि मल्टीपल ऑफ थ्री सिर्फ थ्री ही है ठीक है मल्टीपल ऑफ थ्री क्या आ जाता है सिक्स आ जाता है थ्री टू द दिक्स बट सिक्स क्योंकि था नहीं तो हमने सिर्फ थ्री और वो एक ही लेटर है तो वो लिखा और आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर सेवन में उन्होंने कहा अब टू डाय हैं और एक डाय और इसी तरह दूसरा ही डाए हमने दोनों को रोल किया टुगेदर और डॉट्स को दो डॉट्स के जो भी नंबर आए उनको ऐड किया जैसे पहला ऐड किया हुआ डिजिट फाइव सेवन और इलेवन सो so, अब यहाँ पर हमने ये पूरा एस निकाला है कैसे देखिए दो डॉट्स की हैं पहले डॉट के ऊपर वन आया दूसरे डॉट के ऊपर भी वन आया एक ये पॉसिबिलिटी है ऐ, दूसरी पॉसिबिलिटी यह पहले डॉट पे टू आया दूसरे पे वन आया इस तरह मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा और यहाँ वन वन लिखा फिर वहाँ वन टू थ्री सिक्स तक लिखा और उसके साथ टू 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 लिखे ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस बनाएंगे इसी तरह तो टोटल ये थर्टी सिक्स आ गया इवेंट वन क्या है दोनों डॉट्स को ऐड करो और आंसर आए फाइव तो इन में से कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने से फाइव आता है तो वो ये चार डिजिट्स हैं वन प्लस फोर फ़ाइव होता है टू प्लस थ्री फाइव होता है थ्री प्लस टू फाइव होता है फोर प्लस वन भी फाइव होता है सो so, ये फोर इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं तो मैंने उनको लिखा है और आंसर निकाला है दूसरी ये है कि सेवन यानी कुछ डिजिट्स हैं उनको ऐसा ऐड करो कि वो सेवन बने तो ये सारे डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने से सेवन आ रहा था और ये टोटल सिक्स इन नंबर हैं तो वो मैंने लिख दिया अब है लास्ट है कि दो डिजिट्स को ऐड करो और आंसर आपका एलेवन आए सो ये सिर्फ दो ये डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने से आंसर इलेवन आ रहा था तो मैंने दो और बार ये लिखा और आंसर निकाल लिया सो so ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट इज़ अ बैग कंटेन फिफ्टी बॉल्स एंड इट हैज़ फाइव ग्रीन बॉल्स फिफ्टीन ब्लैक बॉल्स एंड रिमेनिंग आर येलो सो एक बॉल उन्होंने निकाली है तो उन्होंने कहा बॉल इज़ ब्लैक है ग्रीन है या बॉल ग्रीन नहीं है सो टोटल हमारे पास बॉल्स क्योंकि फिफ्टी थी फोटी थी तो हमने एन एस जो है वो फोर्टी लिखा इवेंट नंबर वन क्या है कि ब्लैक है बॉल्स तो ब्लैक टोटल बॉल्स फिफ्टीन है फ़िफ्टीन बाई फोर्टी किया दूसरा इवेंट ये था कि बॉल ग्रीनस हैं ग्रीन टोटल फाइव बॉल्स हैं फाइव बाय फोर्टी किया तीसरा इवेंट यह है कि कौन सी बॉल्स ग्रीन नहीं है सो so फोर्टी में से फाइव बॉल्स ग्रीन थी सो फोर्टी माइनस फाइव करेंगे यानी थर्टी फाइव बॉल्स ग्रीन नहीं है सो थर्टी फाइव बाय फोटी किया और आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर नाइन में थर्टी स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एटीन बॉयज़ हैं और ट्वेल्व गर्ल्स हैं तो मोनीटर कौन है मोनीटर बॉय है या गर्ल है सो टोटल थर्टी हैं इवेंट ए में एटीन बॉयज़ हैं तो एटीन बाय थर्टी किया आंसर निकाला ट्वेल्व गर्ल्स थी तो ट्वेल्व बाय थर्टी किया और आंसर मैंने निकाला है क्वेश्चन नंबर टेन में अगेन हमने कॉइन को टॉस किया बट यहाँ पर हमने कॉइन को फोर टाइम टॉस किया पिछले क्वेश्चन में हमने कॉइन को थ्री टाइम टॉस किया था सो फोर टाइम टॉस किया है एंड द टॉप शोज द इवेंट दो है ऑल हेड एंड टू हेड एंड टू टेस ऑल हेड वाला चांस सिर्फ ये है अच्छा अब यहाँ पर मैंने फोर एच क्यों लिखा है क्योंकि हमने फोर टाइम टॉस किया अगर थ्री टाइम टॉस होता है तो मैं तीन दफ़ा एच लिखती सो so ये एक ही पॉसिबिलिटी है सो so मैंने वन बाय सिक्सटीन लिखा ठीक, क्योंकि फोर टाइम्स टॉस किया है तो टोटल इवेंट सिक्सटीन बनेंगे फोर फोर दिक्कसटीन अच्छा उसके बाद इवेंट बी की बात करते हैं तो उसमें दो हेड आने चाहिए और दो टेल आने चाहिए तो ये सारी वो कंडीशन हैं जिनमें दो दफ़ा हेड और दो दफ़ा टेल आया है तो टोटल तो 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 ये सिक्स है सो टीन मैंने निकाला है ठीक है सो सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव के टेन क्वेश्चन जो हैं वो देखे हैं आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, च्रेंग करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके टेक केयर ऑफ अल्लाह हाफिज़